लोकसभा चुनाव एवं गैसड़ी उपचुनाव को साकुशल शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए जाने हेतु प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। डीएम अरविंद सिंह व पुलिस अधीक्षक किशोर कुमार द्वारा शहर क्षेत्र उतरौला में पैरामिलिट्री फोर्स एवं पुलिस बल के साथ एरिया डोमिनेशन के अंतर्गत फ्लैग मार्च किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीएम कहते हैं कि लोकसभा चुनाव गैसड़ी विधानसभा का उपचुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष एवं साकुशल रूप से संपन्न कराए जाने के साथ साथ आगामी होली का त्यौहार, देवी पाटन, नवरात्र मेला सहित अन्य त्यौहारों को लेकर भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ सभी त्यौहार साकुशल रूप से संपन्न कराए जाने हेतु सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दृष्टिगत जनता के साथ साथ सीधा संवाद बनाया जाएगा, आदर्श आचार संहिता का किसी भी प्रकार से उल्लंघन, धन अथवा बाहुबल का प्रयोग पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से समस्त थाना क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। नेपाल के सुरक्षा बलों एवं अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क रखा जा रहा है। पुलिस एवं सशस्त्र सीमा बल द्वारा संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग की जा रही है। इसके साथ ही ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत नेपाल सीमा पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग निरंतर की जा रही है। नेपाल सीमा से सटे ग्रामों में ग्राम सुरक्षा समिति के माध्यम से निगरानी की जा रही है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव, SDM उतरौला अवधेश कुमार, क्षेत्राधिकारी उतरौला, थानाध्यक्ष उतरौला एवं अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित थे। इंडिया टाइम समाचार एजेंसी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस व प्रशासन के स्तर से जो है तैयारियां पूर्ण हैं। हम लोग विधानसभा का भी यहां पे बाई इलेक्शन है गैसड़ी में, लोकसभा का भी इलेक्शन है, मेला भी होना है और विभिन्न पर्व भी हैं। इस चीज़ को लेकर के पूरी तरीके से मुस्तैदी से हैं और MCC जैसे ही लगा हुआ है, आप सभी को ज्ञात है कि बहुत स्ट्राइकिंग फोर्स के साथ इसका अनुपालन कराया जा रहा है और इसी चीज़ की जो है रैंडम रूप से मॉनिटरिंग करने के लिए और एरिया डोमिनेशन के लिए यहाँ पे जो है कप्तान साहब के साथ मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ की जनता के साथ डायरेक्ट एक संवाद स्थापित करना है और निवेदन करना है कि बड़ी संख्या में जो है वो मतदान करें और किसी प्रकार से MCC का वायलेशन न तो आम जनता में किसी नागरिक के द्वारा किया जा रहा हो, ना ही किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जा रहा हो, ना ही किसी पत्रकार बंधु के द्वारा किया जा रहा होगा। यही चीज़ की अपील है।